शाम का वक्त हो और कुछ चटपटा खाने का मन हो तो क्या बनाएं? बीटरूट कटलेट। आज हम बनाने वाले हैं बीटरूट के चटपटे हेल्दी कटलेट। इसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज आलू, 1 बड़ा बीटरूट। अब हमने आलू और बीटरूट के छिलके निकाल लिए हैं और बड़े हिस्से में काट लिए हैं। हम इन्हें एक कटोरी में डालकर थोड़ा पानी डालकर प्रेशर कुकर में धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें प्रेशर कुकर की जाली डाली है क्योंकि कटोरी हिले नहीं। कुकर ठंडा होने के बाद हम आलू और बीटरूट को कद्दूकस कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून किचन किंग मसाला, 2 टेबलस्पून हरी मिर्च और लहसुन कुटी हुई और आधा कटोरी ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए डालेंगे। अब हम इसे गूंद लेते हैं और स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से गूंद के एक टाइट डो बनाएंगे। अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसके गोल गोल कटलेट बनाएंगे। आप इसके अलग शेप के भी कटलेट बना सकते हैं। अब हमने सब कटलेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर धीमी आंच पर शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसका घोल बनाया है। अब एक एक कटलेट उसे उसमें डुबो के ब्रेड क्रम में कोटिंग करके पैन में शैलो फ्राई करेंगे। अब दोनों तरफ से अच्छे से धीमी आंच पर करारे फ्राई करके बाद में टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे तो इससे एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर पे निकल जाएगा। अब हमारे बीटरूट के चटपटे हेल्दी कटलेट तैयार हो गए हैं। आप इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।